हिंदू मान्यताओं के अनुसार मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए अलग अलग नियम कायदे होते हैं। देश में कई मंदिर जहां महिलाओं का प्रवेश करना वर्जित है, तो वहीं कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहां पुरुषों को महिलाओं का रूप धारण करके ही जाना होता है। महिलाओं का रूप धारण करने का मतलब सिर्फ कपड़े बदलना ही नहीं है, बल्कि उन्हें महिलाओं की तरह पूरे 16 श्रृंगार करने के बाद ही इस मंदिर में प्रवेश मिलता है। जी हाँ, केरल कोलल जिले में कोटनकुलंगरा श्री देवी मंदिर में देवी माँ की पूजा की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। हर साल इस मंदिर में एक उत्सव का आयोजन होता है। इस मंदिर में पूजा करने से पहले पुरुषों को भी महिलाओं की तरह 16 श्रृंगार करना आवश्यक है। कोटनकुलंगरा श्री देवी मंदिर में हर साल 23 और 24 मार्च को चाम्या कुलकुकु उत्सव मनाया जाता है। इस अनूठे उत्सव में पुरुष भी महिलाओं की तरह साड़ी पहनकर सजते सवरते हैं और पूरे 16 श्रृंगार करने के बाद माता की आराधना करते हैं। 16 श्रृंगार करने के बाद पुरुष अच्छी नौकरी, सेहत और अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। इस खास तरह की पूजा के चलते यह उत्सव आज देश के साथ ही पूरी दुनिया में भी प्रसिद्ध हो रहा है। मान्यता है कि इस मंदिर में देवी माँ की मूर्ति खुद प्रकट हुई है। सबसे खास बात यह है कि इस राज्य का ऐसा एकमात्र मंदिर है जिसके गर्भगृह के ऊपर छत या कलश नहीं है। बताया जाता है कि सालों पहले इस जगह कुछ चरवाहों ने महिलाओं की तरह कपड़े पहनकर पत्थर पर फूल चढ़ाए थे। इसके बाद पत्थर से दिव्य शक्ति निकलने लगी। बाद में इसे एक मंदिर का रूप दिया गया। ये परंपरा हजारों साल पुरानी है। वहीं दूसरी मान्यता है कि कुछ लोग इस पत्थर पर मारकर नारियल फोड़ रहे थे, इसी दौरान पत्थर से खून बहने लगा। बाद में लोग यहाँ पूजा करने लगे। तीसरी मान्यता है कि मंदिर के अंदर मौजूद देवी की प्रतिमा हर साल आकार में कुछ इंच बड़ी हो जाती है। ऐसी मान्यताएं बहुत सारी हैं, लेकिन आप हर पल सच्ची खबर के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब करें।